नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें हम बात करने वाले हाई टाइड, लो टाइड और साथ में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है तो क्यों होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते हैं। तो आपने समुद्र की लहरें तो जरूर देखी है। समुद्र की लहरों की इंटेंसिटी कभी कम होती है या कभी ज्यादा होती है, कभी लहरें तेज होती है, कभी लहरें बहुत कम होती है, और इसी को हम एक नाम दिया गया साइंटिफिक, जिसे हम कहते हैं हाई टाइड और लो टाइड, जिसे मराठी में ओटी और भरती भी कहा जाता है। हर लोकेशन पर सी वाटर का लेवल दिन में दो बार कम या ज्यादा होता है, और हाई टाइड और लो टाइड का जो टाइमिंग है ये अलग अलग प्लेस पर अलग अलग तरह से होता है, मतलब डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट। आज इस प्लेस पर हाई टाइड है तो थोड़ी देर बाद किसी और प्लेस पर हाई टाइड होगा और इस प्लेस पर लो टाइड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सोचने की बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है, मून के द्वारा अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट किया जाता है, जिसके कारण सी का वाटर लेवल कम या ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड के मैटर बहुत लूज होते हैं, ढीले होते हैं, जिसके कारण अर्थ की कोई भी चीज जो है, वो जो ठोस चीज है, जो डेंस है, वो उस पर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट तो करता है पर वो मून की ओर जा नहीं पाता। पर वाटर के मैटर्स बहुत लूज होने के कारण वाटर डायरेक्टली मून के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा खींचा चला जाता है, जिसे हम हाई टाइड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हाई टाइड और लो टाइड की बात करें तो अर्थ की दो साइड पर, एक समय में अर्थ की दो साइड पर हाई टाइड होगी और अर्थ की दो साइड पर लो टाइड होती है। ओके, सी की लहरों का आनंद लेना हम सभी को पसंद है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होगा, समुद्र में जाना और लहरों के साथ खेलना। और सी में जाने से पहले दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि हाई टाइड और लो टाइड का टाइमिंग क्या होता है। अगर हम इस बात को ध्यान में ना रखते हुए अगर सी पर चले जाए और अचानक अगर टाइड्स बढ़ जाए तो एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बात की थी कि ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पर ऊपर तक जाता है, बाद में नीचे चला जाता है। ये इसलिए होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम कम होती चली जाती है, और सर्टन हाइट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी पूरी तरह से जीरो हो जाती है, और फिर वह ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरना शुरू होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है बिकॉज अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सेंटर पर होता है, और इसलिए हर ऑब्जेक्ट पर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यह अर्थ के सेंटर ऑफ मास से डायरेक्ट होता है, और इसी वजह से हर ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड खींचा चला जाता है। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की ओर खींचती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पर कॉन्स्टेंटली अप्लाई होता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है, और ऑब्जेक्ट अर्थ की सेंटर की ओर वर्टिकली, मतलब सीधे गिरना शुरू हो जाता है। तो हम ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स, या हम ऑब्जेक्ट को जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे, जितना ज्यादा फोर्स उस पर हम लगाएंगे, ऑब्जेक्ट उतना ही ऊपर जाएगा। ये बात हम जानते हैं कि भाई किसी जिस चीज पर हम, मतलब क्रिकेटर, आपने क्रिकेट का खेल तो देखा ही होगा, बैट्समैन जितने जोर से बल्ला घुमाएगा, अपने बैट को घुमाएगा, बॉल उतनी ही जोर जाएगा, दूर जाएगा, मतलब जितना फोर्स अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट उतना दूर जाएगा, उतना ऊपर जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो जिस तरह अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है, सेम फोर्स से एप्पल भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यस,
ये एक वंडरिंग बात है, ये एक आश्चर्य वाली बात है कि जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को अपनी ओर खींचती है, एप्पल भी अर्थ को अपनी ओर सेम फोर्स से खींचता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जी की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये सभी के लिए एक जैसी है, पर अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से अर्थ एप्पल को अपनी ओर खींच लेता है और इसलिए एप्पल अर्थ पर आ गिरता है। और सेम यही होता है मून और अर्थ के साथ, अर्थ और सैटेलाइट के साथ, और ये अपने अपने ऑर्बिट में मूविंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि एप्पल अर्थ की ओर आ गिरा क्योंकि अर्थ ने एप्पल को खींच लिया। अब मून और सैटेलाइट भी अर्थ के आसपास एक ग्रेविटेशनल फोर्स से बने हैं, इसलिए वो हमारे अर्थ के आसपास जो है ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्या वो कभी अर्थ में आकर नहीं गिर सकते? जी नहीं, वो अर्थ में आकर नहीं गिर सकते। ये पॉसिबल हो सकता कब? जब वो ऑर्बिट में मूविंग करने नहीं कर रहे होते, रुके होते। तो मून जो है और सैटेलाइट जो है ये अर्थ के आसपास एक वेलोसिटी में घूम रहा है। तो जब सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है, स्पेस में छोड़ा जाता है, तो उसे भी एक वेलोसिटी के साथ पुश कर दिया जाता है और उस वेलोसिटी के साथ वो अर्थ के आसपास राउंड लगाती है। तो उनमें एक वेलोसिटी है और उनकी वेलोसिटी ये टेंजेंशनल है। आप सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा है, ओके तो ये टेंजेंशनल है। ये क्या करती है भाई, ये अपने रिंग को छोड़कर, अपने ऑर्बिट को छोड़कर चला जाना चाहती है, पर अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वो एक अपने ऑर्बिट में घूम रही है। हाँ, अगर ये ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में नहीं घूम रहे होते, एक जगह स्थिर होते, रुके हुए होते, तो मून और सैटेलाइट भी अर्थ पर आकर गिर जाते। तो ये मूविंग है, उनमें एक वेलोसिटी है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। जय हिंद दोस्तों।